हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो टेक्निकल एमपी में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक, कौन सी किट में, जो इलेक्ट्रिक साइकिल की या बाइक की किट में कितना तक खर्चा, कितना बजट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी जीके कंपनी की किट देखी है, तो दोस्तों बैटरियों का बजट बताऊंगा कि बैटरियों का बजट क्या होगा हर किट का। तो दोस्तों, जो 24 वॉट 250 वॉट की जो मोटर होती है, अगर आप बैटरियां उसमें, कई लोग सवाल करते हैं कि लिथियम आयन लगाएं, तो दोस्तों अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर लिथियम आयन बैटरी लेते हैं करीबन अगर 24 वॉट 20 एम्पियर तक में, तो उसकी कॉस्टिंग हो जाती है करीबन 6.5 से 7 हज़ार रुपये समथिंग। अगर आप 24 वॉट 250 वॉट में अगर कंप्यूटर यूपीएस की ड्राई बैटरियाँ लगाते हैं तो उसमें करीबन कॉस्टिंग हो जाती है, एक बैटरी आती है करीबन 500 से 550 तक की। अगर आप चार बैटरियों को 24 में कन्वर्ट करके लगाते हैं तो उस बैटरी का जो वोल्टेज और एम्पियर होता है, मैं आपको बताता हूँ, तो वो जो कंप्यूटर यूपीएस की बैटरी होती है वो 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर की भी आती है, 8 एम्पियर की भी आती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे अगर आप कंप्यूटर यूपीएस की दो बैटरियाँ लगाते हैं तो उसमें समथिंग आपका एम्पियर तो 7.5 ही रहता है, मगर वोल्टेज 24 हो जाता है। तो दोस्तों, दो बैटरियों में आपका कितना किलोमीटर चलेगा, काफ़ी लोगों का ये सवाल है, तो मैं आज बता रहा हूँ। अगर दो बैटरियाँ लगाते हैं 24 वोल्ट 250 वोल्ट वाली किट में, तो करीबन 10 से 12 किलोमीटर चलेगी। अगर आप उसी को चार बैटरियों को 24 में कन्वर्ट करके लगा रहे हैं तो करीबन 20 से 25 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। अगर दोस्तों उन्हीं कंप्यूटर यूपीएस की बैटरियों को, छः बैटरियों को 24 में कन्वर्ट करके लगा रहे हैं, तो उसका एम्पियर जो हो जाता है, चार का एम्पियर हो जाता है 15 और छः का एम्पियर हो जाता है, छः बैटरियों का एम्पियर हो जाता है करीबन 22 से 23 एम्पियर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप छः बैटरियों को कन्वर्ट करके लगाते हैं तो करीबन आपका जो किलोमीटर कैपेसिटी होगा वो होगा करीबन 40 से 45 किलोमीटर तक चल जाएगी अगर छः बैटरी लगाते हैं। अगर लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं हम, अब तो जो लिथियम आयन बैटरी जो आपकी 24 वोल्ट में 20 एम्पियर की जो 6.5 से 7 हज़ार में आती है, तो दोस्तों उसकी जो किलोमीटर कैपेसिटी होगी 20 एम्पियर की, करीबन अपना 35 से 40 किलोमीटर चलेगी अगर फुल चार्ज में अगर लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच लीजिएगा कि आपको कौन सी बैटरी लेनी है। और हाँ, लिथियम आयन बैटरी के लिए आपको लिथियम आयन चार्जर भी लेना पड़ता है। अगर आप इस वाले जो किट में आता है चार्जर, उससे चार्ज करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और लिथियम आयन बैटरी की जो चार्जर होता है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इन चार्जरों की अपेक्षा। जैसे 24 वोल्ट 250 वोल्ट में अगर आपको लगाना है चार्जर लिथियम आयन बैटरी के साथ जो चार्जर आता है, तो उसकी कीमत करीबन 3 से 3.5 से 4 हज़ार तक की आती है लिथियम आयन चार्जर की दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया। अब दोस्तों, टॉपिक है हमारा, अब ये बात करते हैं हम 48 वॉट 550 वॉट की मोटर, 48 वॉट 750 वॉट की। तो दोस्तों, 48 वॉट 750 वॉट की मोटर की बात करूँगा, तो कई लोगों का सवाल है कि 48 वॉट में कितने तक की एम्पियर में, कितनी बैटरियों में, कितना किलोमीटर चलेगी। तो जो 48 वॉट 750 वॉट की जो मोटर है दोस्तों, उसमें कम से कम आपको 22-24 एम्पियर से कम की बैटरी अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी माइलेज नहीं मिलेगा। और 22-24 एम्पियर तक की अगर बैटरी आप लगाते हैं, तो जैसे आप एक 12 वोल्ट 22 या 24 एम्पियर की लेते हैं, तो करीबन उसकी एक बैटरी की कॉस्टिंग, जो लीड एसिड बैटरी रहती है, एक बैटरी की कॉस्ट होती है करीबन 3 से 3.5 हज़ार तक। तो दोस्तों, 48 वॉट में आपको चार बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, तो करीबन उसकी टोटल कॉस्टिंग हो जाती है 12 से 12.5 हज़ार रुपये दोस्तों। तो दोस्तों, उसमें चलेगी कितना, काफ़ी लोगों का ये सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 24 एम्पियर की बैटरी लगाते हैं 48 वॉट 24 एम्पियर में, तो उसका माइलेज होगा फुल चार्ज पर 40 से 45 किलोमीटर। और स्पीड जो 750 वॉट की जो मोटर की स्पीड रहती है वो रहती है 35 से 40 की स्पीड टोटल। तो दोस्तों, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। आपको इलेक्ट्रिक बाइक बनाने में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने में बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, 48 वॉट की लिथियम आयन बैटरी, अगर आप 48 वॉट
लिथियम आयन की बैटरी लेते हैं 20 एम्पियर में, तो करीबन उसकी कॉस्टिंग हो जाती है 18,000 पे समथिंग, 17,000 से 18,000 पे की कॉस्टिंग हो जाती है। उसमें भी वो चलेगी करीबन आपकी 35 से 40 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी हमें किट में कौन सी बैटरी लगानी है, लीड एसिड लगानी है कि लिथियम आयन लगानी है। और बैटरियों की जो लिथियम आयन, अगर बैटरी आप 17 से 18,000 तक की लेते हैं, जो उसका चार्जर जो आता है वो काफ़ी महंगा आता है दोस्तों, तो करीबन उसका चार्जर जो है 4,500 से 5,000 तक का चार्जर रहता है। और जो आपको किट के साथ मिलता है वो चार्जर अगर आप चलाएंगे अगर लिथियम आयन बैटरी में, तो वो चार्जर जल्दी ख़राब हो जाए, मतलब बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। जो लिथियम आयन बैटरी होगी लिथियम आयन चार्जर से ही चार्ज होगी दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि लिथियम आयन बैटरी लें तो और कैसे चलाएं और कौन सा चार्जर यूज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग बार बार मेरे से सवाल करते हैं लिथियम आयन बैटरी है कि नहीं, मेरे पास लिथियम आयन बैटरी अभी नहीं अवेलेबल है, कुछ टाइम में मेरे पास लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी हम बैटरी लगाएं, कौन सी किट लेनी चाहिए, किस में ज़्यादा फ़ायदा है। और लोड कैपेसिटी की बात करें तो 750 वाट वाली में करीबन लोड कैपेसिटी 500 किलो तक रहती है, और वाट ज़्यादा होने की वजह से बैटरियाँ भी हैवी लगानी पड़ती है, माइलेज उतना नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो और जो 24 वाट 250 वाट की जो मोटर है उसमें लोड कैपेसिटी, जो जीके कंपनी की मोटर है उसमें लोड कैपेसिटी 130 किलो तक रहती है। तो दोस्तों उसमें स्पीड मिलती है 20 से 25 की। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कौन सी फ़ायदे वाली है, कौन सी किस में ज़्यादा बजट है, किस में कम बजट है, आप वीडियो सुन के आपको समझ में आओगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं ऐसी वीडियोस आपको हर टाइम देता रहूँगा दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय।